भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना का मालाबार युद्ध अभ्यास आज से बंगाल की खाड़ी में शुरू हो गया। एलएसी पर विवाद के बीच चीन ने इसे भारत का शक्ति प्रदर्शन बताते हुए सवाल उठाए थे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज कहा, हम उम्मीद करते हैं कि संबंधित देशों का सैन्य अभियान इस क्षेत्र की शांति एवं स्थायित्व के विरुद्ध नहीं बल्कि उसके अनुकूल होगा। मालाबार अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की नौसेना पहली बार हिस्सा ले रही है। सैन्य अभ्यास का पहला चरण 6 नवंबर तक चलेगा। दूसरे चरण में चारों देशों की नेवी 17 से 20 नवंबर तक अभ्यास करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार जारी है। फारबिसगंज की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि बिहार में रंगदारी और परिवारवाद हार रहा है, विश्वास और विकास जीत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब संसद में कांग्रेस के 100 से भी कम सांसद रह गए। आज बिहार में रंगबाजी और रंगदारी हार रही है, विकास फिर से जीत रहा है। वहीं सहरसा रैली में पीएम मोदी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया। बिहार के लोगों ने जंगल राज को, डबल डबल युवराजों को सिरे से नकार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने आत्मनिर्भर बिहार की मजबूत नींव रखी है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे चरण की 94 सीटों पर 53.51% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दूसरे चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और पटना समेत 17 जिलों में मतदान हुआ। बिहार विधानसभा के तीसरे और आखिरी चरण के लिए 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव नतीजों का ऐलान 10 नवंबर को होगा। वहीं 10 राज्यों की 54 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हुए, जिनके नतीजों का ऐलान भी 10 नवंबर को होगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के युवाओं को भड़काने वाला बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि कश्मीरी युवाओं को सुरक्षित रखने के लिए उनकी पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। महबूबा मुफ्ती ने नए कानूनों को कश्मीरियों पर थोपने का आरोप लगाया। हमारी लड़ाई जो है जम्मू कश्मीर को जो तशख्स है उसको बहाल करने के साथ साथ मसले कश्मीर हल करने के लिए भी हमें जदोजहद करनी है, और इसमें मैं आगे आगे और मेरे पीछे पीछे जो मेरे ये जो बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, ये मेरे साथ हैं। बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। दो तीन परिवार ही हमेशा सत्ता में रहे, तो क्यों नहीं बिहार कश्मीरियों के लिए कुछ की? उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं है। वह कश्मीरियों को अभाव में रखकर अपनी राजनीति करना चाहती थी, इसलिए कश्मीरियों को स्वतंत्र मन उनका होने नहीं दिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.